अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त हम कुछ कामों के लिए निकले हैं, लेकिन बुनियादी मकसद जो है वो एक्सपो सेंटर में किताब मेले की रौनकों को आपको दिखाना है। हमने इससे पहले सोचा कि चंद काम जो करने हैं वो कर लें, तो फिर उसके बाद जो है वहाँ एक्सपो सेंटर जाएंगे और वहाँ पर कुछ टाइम लगाएंगे। इस वक्त हम शाराए जिना पर लाहौर में जो वो सड़क जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से रायविन की तरफ को जाती है, ये हम उस सड़क पर वावडा हाउस से निकल वावडा टाउन से निकल कर जो है उस रोड पर जा रहे हैं। ये सड़क जो है ये यहाँ से शौकत खानम चौक पर पहुँचेगी और वहाँ से जो है हम बाएं हाथ मुड़ेंगे और वहाँ से जो है हम एक्सपो सेंटर की तरफ चले जाएंगे। एक्सपो सेंटर से पहले वहाँ पर जो है वो ये वो वाली सड़क है जो जाती उमरा की तरफ जाती है। साबिक हुक्मरानों ने इसे अपने आमदोरफ्त के लिए बनाया था। ये इस वक्त हम जो है ये जो एक यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है उसके करीब से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी मौजूद है जिसे यूसीपी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। पहले ये छोटा सा कैंपस था, अब जो है इसको कैंपस को खासा वसी कर दिया गया है, खूबसूरत कैंपस बनाया गया है यहाँ पर। लीजिए हम फिर उसी सड़क पर जो है पुल क्रॉस करते हुए जो है आगे की तरफ जा रहे हैं। लीजिए, इससे पहले कि हमारी बेगम ने हमने कहा था कि हम पहले बुक फेयर पे जाएंगे, लेकिन हमारी बेगम ने कहा कि नहीं, हम जो है पहले एम्पोरियम जाएंगे। एम्पोरियम में हमने असल में जाना है बाहर अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि जी कुछ ख़रीदारी करनी है, पहले वो देखेंगे चीज़ें, फिर उसके बाद जो है वहाँ से फारिग होकर ताकि आराम और सुकून के साथ हम वहाँ से जो है पहुँच सके। लीजिए साहब, हम पहली मंजिल पर आ गए हैं। इस वक्त हम इतना कोई रश नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि अभी सुबह सुबह का वक्त है और लाहौर ये ज़रा देर से उठते हैं मुख्तलिफ जगह पर जाने के लिए, जो है वो निकलते बहुत देर से हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो है लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अभी जो है सफाइयाँ वगैरह होती हैं, खूबसूरत माल जो है लाहौर को मुयसर आ गए हैं। उससे पहले तो जो है लिबर्टी मार्केट की तरफ जाना पड़ता था या और दूसरे इलाकों में जो छोटी छोटी जो दुकानें थीं, उस वक्त लिबर्टी मार्केट का बहुत बड़ा क्रेज़ था वहाँ, क्योंकि बहुत सारी इकट्ठी दुकानें मौजूद थीं। अब जब से एम्पोरियम और एक और माल जो है वो बना है, तो यहाँ पर जो है यहाँ की रौनकें बढ़ गई हैं। लीजिए साहब, ख़वातीन जो हैं ये मुख्तलिफ स्टोर्स में जाने से बाज नहीं आती। वैसे तो हमारी बेगम जो हैं ये चीज़ों को देखने के लिए वो एक स्टोर में घुस गई हैं। हमने कहा आपको बाहर का मंज़र दिखा दें। ये एक वेलकम का जो है दिल बना हुआ जो है ये एम्पोरियम में सामने आपको नज़र आ रहा है। ये सामने मुख्तलिफ दुकानों के मंज़र भी आपको उसमें नज़र आ रहे होंगे। तो ये माल जो है ये बड़ा खूबसूरत, यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर आपको स्टोर्स मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे आना जो है तकरीबन हर किस्म की ख़रीदारी के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये थोड़ा आम जो दुकानदार हैं उनसे थोड़ा महंगा जगह होती है। ये देखिए, अभी एक ब्रांड है केसरिया, उसका स्टॉल आपको सामने नज़र आ रहा है। ये एक मेडिसिन की स्किन के बारे में जो चीज़ें हैं वो उनका स्टॉल है ये आपके सामने। तो ये जो इस तरह की जो दुकानें, या ये लीजिए चलें जी, अब हमने कहा कि चलें अब दूसरी मंजिल पे चलते हैं जहाँ पर और दुकानें हम आपके वो देखेंगे।
तो ये इस वक्त हम आपको दूसरी मंजिल पर लिए चल जा रहे हैं। हमारा मकसद जो है वो इस मॉल में इस वक्त आने का तो सिर्फ ये था कि कुछ बच्चों के जो हमारे बच्चे वहाँ मौजूद हैं उनके लिए कुछ ख़रीदारी कर ली जाए, क्योंकि बच्चों को अपने दादा दादी से बहुत से आस होती है कि वो आएंगे तो हमारे लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आएंगे, खिलौने लेकर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, और कुछ उनके अम्मा अब्बा के लिए भी। ये जुनेद जमशेद का स्टाल है, जुनेद जमशेद का जो स्टाल है, एक ज़माना था कि जब अल्लाह बख्शे जुनेद जमशेद मौजूद थे तो उस वक्त इसका म्यार तो बहुत आला था, लेकिन अब वो वैरायटी नज़र नहीं आती जो उनके ज़माने में थी। अब उन्होंने इसको जो इनफरादियत थी वो ख़त्म करके यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो रूटीन मैटर बना दिया है इसके मलबूसात का। हम तो यहाँ पर चूँकि बच्चों के लिए देखने हैं, या बच्चों की जो हमारी बहू और या दूसरे बेटा है उनके लिए कुछ कपड़े देखने हैं, तो ये कपड़ों के कलर देखिए खूबसूरत लगते हैं। अब इस उम्र में जो हमारी उम्र है उसमें तो हमें ये इस किस्म के कलर पसंद नहीं आते, लेकिन जो नौजवान नस्ल है उनके लिए ये बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, बहुत अच्छे कलर्स जो हैं नज़र आ रहे हैं। उसमें हर कलर जो है वो दिया गया है। यहाँ से जो है वो जो हमारी एज के लोगों के लिए है वो भी कलर्स मिल जाते हैं मुख्तलिफ़। लीजिए, वहाँ से हम निकल आए हैं, अब हम जो है माल ये लीजिए जी, विंटर क्लियरेंस का है, 50% सेल लगी हुई है, हर ब्रांड ने जो है वो आजकल सेल लगाई हुई हैं, और ख़वातीन एक तो सेल और दूसरा जो स्टोर्स उनकी मतलब का हो वहाँ ना जाएं ये मुमकिन नहीं है। तो ये लीजिए साहब, ये हमारी बेगम इस स्टोर में चली गई हैं, हम आपको जो है बाहर लिए चलते हैं। बाहर इस स्टोर के बाहर जो है एक किताबों की दुकान भी है। ये जो है ये देखिए, इस वक्त इसके बिल्कुल बाहर जो है ये शॉप है ऑनलाइन libertybooks.com की। ये जो लिबर्टी मार्केट है लाहौर में, वहाँ पर ये लिबर्टी बुक्स का बहुत बड़ा स्टोर है, ये उनकी किताबों की दुकान है। हमारा बुनियादी मकसद जो था आज के व्लॉग का, कि हम थोड़ी सी सैर करेंगे किताब मेले की, तो उससे पहले ही जो है ये जो एम्पोरियम में जो किताबों की एक इतना बड़ा स्टॉल जो है मौजूद है लिबर्टी बुक्स का, तो हमने कहा चलें यहाँ पहले आपको किताबें दिखा दें। किताबों यहाँ पर जो है जो बुक मिला है वहाँ तो तकरीबन 50% तक भी जो है वो किताबों पर सेल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो है मेरी इतला के मुताबिक यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं तो 25% जो है वो मुख्तलिफ किताबों पर जो है वो आपको रियायत मिल सकती है। लिबर्टी बुक्स एक अच्छा अदारा है। लिबर्टी मार्केट में तो इनका बहुत बड़ा स्टोर है, कई मंजिला स्टोर है, जहाँ पर हर किस्म की वो किताब मिलती है। यहाँ लगता तो यही है कि ये इन्होंने भी यहाँ पर भी उनकी उसकी एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो मुंतकिल किया हुआ है। यहाँ पर रियायत थोड़ी कम देने की वजह भी एक तो ये है कि ये महंगा माल होता है, माल के अंदर जो है वो जो दुकान का या इस जगह का किराया बेतहाशा होता है, इसलिए वो इतना भी आपको रियायत दे दें तो गनीमत है। किताब पढ़ने के लिए किताब को थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ये जो मेले हैं या ये जो रियायत देते हैं तो बुनियादी तौर पे ये जो है ये आम दिनों में भी दिए जाना चाहिए। ये लीजिए, हम वहाँ से निकल आए और हम यहाँ से इस वक्त
داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ایکسپو سینٹر ہے اس وقت ایک گاڑی ہمارے سے آگے ہے اور اس وقت پیچھے ہم موجود ہیں. یہاں پر پہلے سچ ہوگی, سچ ہونے کے بعد پھر ہم اندر داخل ہوں گے. یہ ہمیں ایک ٹوکن دیں گے. وہاں جانے کے بعد ہم جو پارکنگ ہے اس میں اپنی گاڑی کھڑی کریں گے اور وہاں سے ہال نمبر ایک میں جہاں نمائش لگی ہوئی ہے وہاں آپ کو لیے چلیں گے. تو اس وقت ہم ایکسپو سینٹر کے مین گیٹ سے جو ہے داخل ہو رہے ہیں. یہ اس کا داخلے کا ہے اور دوسری جانب جو ہے اس کا ایگزٹ ہے. تو یہ جو ہے یہاں سے ہم جائیں گے اور اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ پارکنگ لاٹ ہے. تو ہم یہاں سے ابھی بس اسی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو دائیں طرف جو ہے یہ آپ کو جو یہ بڑی عمارت ہے یہ لیجیے, ہم پارکنگ لاٹ میں آ گئے. یہ پارکنگ لاٹ سے ہم جو ہے اب جائیں گے جو اس کا ہال نمبر ایک ہے جہاں نمائش لگی ہوئی ہے. ہم وہاں جائیں گے, وہاں سے ہم داخل ہوں گے کتابوں کے سٹالز کی طرف. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال میں لاہور میں جو ہے یہ غالباً 34واں جو ہے ایکسپو ہے, یہ جو میلہ ہے یہ 34واں میلہ ہے. یہ ہر سال جو ہے فیبرری میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. یہ تقریباً یہ 5 دن جو ہے یہ میلہ جاری رہتا ہے اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں جو ہیں وہ فروخت ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیے یہ جو پارکنگ لاٹ ہے یہ گاڑیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ ہم آپ اس طرف آ گئے ہیں جہاں پہ ہال نمبر ایک کی طرف ہمیں جانا ہے. تو یہ جو ہے ہم ادھر سے اب یہ دیکھیے یہ ہم اس وقت یہ جو لائننگ ہوئی ہوئی ہے یہ سیدھی جو ہے یہ ہال نمبر ایک کی طرف جائے گی. آگے خوبصورت ریڈ کلر کا ریڈ کارپٹ ہوا ہے. ویلکم کہہ رہے ہیں یہ جو اس کے منتظمین ہیں, انہوں نے اس کو ریڈ کارپٹ کیا ہوا ہے. یہاں سے ہم جو ہے اندر داخل ہوں گے. تو اندر جو ہے وہ ہر طرف کتاب ہی کتاب ہوگی. کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے, کتابیں پڑھنی چاہیے, کتابیں دیکھنی چاہیے. کتابوں کو فزیکل کتاب سے جو مزہ آتا ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں دے سکتی. لیجیے صاحب ہم بھی جو ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ سامنے جو ہے سیکورٹی کا وہ تھا. لیجیے جی, پہلا سٹال جو ہے دائیں جانب وہ الائٹ بک کمپنی کا جو ہے یہ سٹال ہے. ابھی چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی صبح صبح ہے, یہ سٹال جو ہے یہ جو میلہ ہے یہ 10:30 صبح 10:30 سے 10:30 شام تک جو ہے یہ 12 گھنٹے جو ہے یہ چلے گا. یہ ایک سٹال ہے جس پر مختلف کتابیں جو ہیں یہ اور جو چھوٹی چھوٹی جو بکس کی پیکٹ میں بچوں کے لیے کتابیں میں ہوتی ہیں پیک کی ہوئی, یہ وہ سٹال ہے. یہ سامنے آپ کو ریڈنگز کا بورڈ نظر آ رہا ہے. یہ الفیصل بکس کا سٹال ہے, یہ قدرت اللہ کمپنی ہے. بہت سارے سٹالز کہتے ہیں کہ یہاں پر ملکی اور غیر ملکی تقریباً 350 سے زیادہ سٹال جو ہیں وہ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے سٹال لگائے ہوئے ہیں. یہ کار سامنے آپ کو کارواں بک ہاؤس نظر آ رہا ہے. یہ شہباز, یہاں پہ 50% کا آپ کو بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ اس طرح کی جو بک میلے ہیں یہ اصل میں کتاب کلچر کو فروغ دینے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. یہ ابھی دیکھیے یہ ونگارڈ کا سٹال ہے. ونگارڈ جو ہے یہ مال کے اوپر ایک کتابوں کی بہت پرانی دکان ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کی کتاب مل جاتی ہے. یہ قدرت اللہ کمپنی کا سٹال ہے. یہ جو ہے یہ سنگ میل پبلیکیشنز کا سٹال ہے. اس پہ دیکھیے ابھی صبح ہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو خاصا
रश नज़र आता है। ये अच्छी किताबें छापते हैं लेकिन थोड़ी महंगी होती है इनकी किताब जो है। ये एक तो रियायत भी नहीं देते हैं कोई इतनी ज़्यादा, दूसरा ये है कि ये किताब को खासा महंगा छापते हैं। सुनने में ये आया था कि 160 सफ़े की किताब की ये इन्होंने कीमत जो है वो कुछ 1400-1400 रुपये रखी होती है। तो ये जो ये कल्चर है ना, ये इसको थोड़ा कम होना चाहिए। किताब ख़रीदने के लिए कुव्वत ख़रीद भी वो इतनी होनी चाहिए कि कुव्वत ख़रीद में आ सके जो है। तो संगे मिल वालों को कुछ थोड़ा सा इस बात की तरफ भी ध्यान दे। ये गाबा वालों का स्टॉल है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ ये अक्स वालों का स्टॉल है, इसमें ये लोग आ जा रहे हैं, देख रहे हैं इन किताबों को जो है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों का स्टॉल है। तो किताब जो है ये महंगी नहीं होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा जो है ना पब्लिशर्स को ये देखना चाहिए कि अपना मुनाफा ज़रूर रखें लेकिन इस किताब को इतना रखें कि जो है ख़रीदार जो है वो आसानी से जो है उनको दे सके। अब देखिए कि किताबें अगर फ़र्ज़ किया 800 रुपए से 1100-1400 रुपए रखी होती है, जब यहाँ पे 50% कमीशन देते हैं तो इसका मतलब है कि ये इससे आधी कीमत करके भी किताब को फरोख्त कर सकते हैं, ना जाने क्यों इतनी। चलिए अब इस बात को छोड़ते हैं। ये अब आ जाता है बुक कॉर्नर वालों का स्टॉल है। ये बुक कॉर्नर वो पब्लिशर हैं जो जेहलम से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मेरी दो किताबें देखा तेरा अमेरिका और किताबें बोलती हैं, ये वो जो अभी मैं जो किताबों पे तबसर करता हूँ वो किताबें जो वो मेरी किताब का टाइटल है, तो वो दोनों किताबें जो हैं वो इन्होंने ही शाया की हैं। यहाँ पे आज जो है ये अमजद इस्लाम अमजद की नई किताब जो उन्होंने उनका मजमुआ नया आया है वो शायक जो है वो हुआ है, तो उसकी लॉन्चिंग उन्होंने की है। तो इम्कान यही है कि अमजद इस्लाम अमजद साहब यहाँ मौजूद होंगे। आइए अंदर चल कर देखते हैं, यहाँ से गुजरना भी ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। आइए अंदर चल के देखते हैं कि अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद हैं या नहीं। तो जी साहब, ये अमर शाहिद साहब मौजूद हैं, ये अमर शाहिद साहब से हमने मुलाकात की। ये अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, उनके दोस्त एक उनके साथ बैठे हुए हैं, उसके साथ शहजाद नैयर साहब भी मौजूद हैं। तो अमर शाहिद साहब ने हमारे लिए ज़रा जगह जो है वो छोड़ दी है। इस वक्त ये अमर शाहिद साहब ज़रा बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ज़रा यहाँ बैठकर अमजद साहब से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, कुछ शहजाद नैयर साहब से कोई गुफ्तगू करते हैं, कोई बातचीत होती है। थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे फिर उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे। लीजिए साहब, हम भी अमजद इस्लाम अमजद साहब और उनके दोस्त और शहजाद नैयर साहब की गुफ्तगू में शरीक हो गए। तो ये किताबों की आप तरतीब देख सकते हैं। ये पीछे जो है ये अमजद इस्लाम अमजद की नई किताब का आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये पीछे बिल्कुल अमजद इस्लाम अमजद की तस्वीर के साथ उनकी नई किताब जो है वो अभी शाया हुई है और इसकी लॉन्चिंग आज हो रही है। यहाँ अमजद साहब इस्लामाबाद से सीधे तशरीफ़ लाए हैं बकौल अमर शाहिद के ये बुक लॉन्चिंग थी उनकी। तो यहाँ पर वो आज जो है वो दस्तखत शुदा किताब जो है वो जो ख़रीदार उनकी किताब ख़रीद रहे हैं उनको दस्तखत करके दे रहे हैं। यही हाल जो है वो शहजाद नैयर साहब का, वो भी किताब को दस्तखत करके दे रहे हैं। ये अशरफ जावेद साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो अशरफ जावेद साहब भी खूबसूरत शायर हैं। ये एक अदारे से जो मुंसलिक हैं, तालीमी अदारे से। तो ये आपको जो है हम बुक कॉर्नर जेहलम के अंदर का मंजर दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे थोड़ी देर। ये आपको ये दिखा दिया, अब हम जो है ज़रा
आपको आगे लिए चलते हैं। तो ये लीजिए साहब, हम बाहर आ गए हैं। यहाँ पर जो है ये हमारी बेगम जो है ये इन बच्चों के लिए कुछ किताबें देख रही हैं, बच्चों के लिए खूबसूरत छपी हुई किताबें किसी किसी स्टॉल पर नज़र आती हैं जो बच्चों की किताबें शाया करते हैं। ये अल फैसल वालों का स्टॉल है जो कि इसके कप्ता धरता हैं इस नुमाइश के। ये हमारी बेगम जो हैं ये किताब देख रही हैं और ये वो मुझे बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये अल्लामा इकबाल की वो नज़में हैं जो हमारे ज़माने में भी मौजूद थी, अब ज़्यादा इलस्ट्रेटेड किस्म की जो हैं वो शाया की हैं, जैसे बच्चे की दुआ और दूसरी चीज़ें जो अल्लामा इकबाल की नज़में हैं ये उस पर मुश्तमिल किताब है। आइए आगे चलते हैं। अब ये और किताबें या और स्टॉल्स हैं। इस वक्त हर तरफ किताब ही किताब नज़र आ रही है, लोगों की थोड़ी बहुत अब चहल पहल शुरू हो गई है। तो ये देखिए ये किताबें, लेकिन अभी वो जो चहल पहल जो है मिड में दिन का थोड़ा सा दिल ढलने के बाद जो यहाँ पर इतना रश होता है कि दूर एक खचाखच ये जो दरमियान में कॉरिडोर आपको अभी बड़ा वसी नज़र आ रहा है ये इसमें से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। अभी भी वैसे किताबों वो लोग जो हैं जो ये सोच कर के सुबह जो है ज़रा जल्दी जाकर जो है जल्दी फारिग होकर आ जाएंगे तो वो उनके लिए तो ये इस वक्त वो लोग भी आपको देखें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। रश अब शुरू हो गया है क्योंकि हमें भी खासा टाइम हो गया यहाँ पे आए हुए। देखिए अब उस वक्त जब हम आए थे तो अब देखिए अब रश जो है वो ये रीडिंग्स पे जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा रश होता है वो ये रीडिंग्स पे है, जिसपे इस पर आमतौर पर ज़्यादातर इंग्लिश की किताबें होती हैं, इंग्लिश की किताबें और वैसे तो दूसरी किताबें भी यहाँ पे मौजूद होती हैं। इस पर अच्छा खासा रश होता है, इसमें आपकी पसंद की किताबें आपको मिल जाती हैं, बाहर की छपी हुई किताबें भी यहाँ पर आपको अच्छी तरह मिल जाती हैं। तो इन्होंने जो है वो कुछ इतना ज़्यादा इसमें यहाँ पर ये डिस्काउंट नहीं देते, इन्होंने 15% रखा हुआ है। ये देखिए ये इनके बिल्कुल मुकाबिल जो है ये इन दारुल इस्लाम वालों का मज़हबी किताबों का स्टॉल है, ये उसके साथ जो है स्टेशनरी आइटम्स मौजूद हैं बहुत सारे। जो इस यहाँ पर आने के बाद आपको इल्म के हसूल के रेफरेंस से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अब आपको और लिए चलते हैं। ये फिरोसंस का जो है वो स्टॉल है। फिरोसंस बहुत पुराना अदारा है, इनका माल के ऊपर जो है बहुत बड़ा शोरूम था जो जहाँ आतिश जदगी हुई और उसके बाद वहाँ से ये शिफ्ट हो गया है गुलबर्ग में गालिबन। हमें तो इनका वो याद है कि लीजिए साहब अब आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं कि ये किताबों की और भी है किताबें, किताब को पढ़